दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल अपने अंतिम चरण में आ चुका है, अब 3 मैच ही बचे हैं इस बार के टूर्नामेंट में और इसके बाद ये टूर्नामेंट फाइनल के बाद खत्म हो जाएगा। दिल्ली और चेन्नई के बीच में खेला गया ये पहला क्वालिफायर मुकाबला, बहुत ही रोमांचक था और इतना रोमांचक था कि अंतिम गेम तक ये बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत पाएगी। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं अंतिम ओवर की पूरी हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के पहले क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में हुआ था। इस मुकाबले में कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 172 रन बनाए, जिसमें पृथ्वी शॉ और कप्तान ऋषभ पंत ने अर्धशतक जड़े। इस मैच में चेन्नई की टीम के सामने दिल्ली ने 173 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में चेन्नई ने दूसरी पारी में 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाकर मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी में गजब का खेल दिखाया और चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। उन्होंने 6 गेंदों पर 1 छक्का व 3 चौकों की मदद से नाबाद 18 रन बनाए हैं। धोनी के अलावा रॉबर्ट उथप्पा व ऋतुराज गायकवाड़ की अर्धशतकीय पारी ने भी टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। आईपीएल के 12 सीजन में ये 9वां मौका है जब सीएसके फाइनल में पहुंची है, लेकिन दोस्तों असली मजा तो तब आया था जब इस मैच के अंतिम ओवर में। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई की शुरुआत आज इस मैच में अच्छी नहीं रही, फाफ डुप्लेसिस पहले ही ओवर में बोल्ड हो गए थे। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबर्ट उथप्पा ने पारी को संभाला और चेन्नई की टीम को 13 ओवर तक ले गए और 111 रन बोर्ड पर जमा कर लिए थे। इसके बाद चौथे ओवर में रॉबर्ट उथप्पा 63 रन बनाकर आउट हो गए और दबाव आ गया था चेन्नई की टीम के ऊपर, क्योंकि इसके बाद लगातार चेन्नई की टीम के विकेट गिरे। शार्दुल ठाकुर रायडू तो कुछ नहीं कर पाए, वहीं इसके बाद 19वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी 70 रन बनाकर आउट हो गए और अब दबाव आ चुका था चेन्नई की टीम के ऊपर। लेकिन फिर मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हुई और धोनी को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो मैच को जिताने के इरादे से ही मैदान पर उतरे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम 2 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी और 19वां ओवर करने आए आवेश खान को मोदी नदीम ने दूसरी गेंद पर चौका चढ़ दिया। इसके बाद कुछ दबाव चेन्नई की टीम से कम हो गया, लेकिन अगली गेंद पर मात्र 1 ही रन आ पाया और अब दबाव फिर से चेन्नई की टीम के ऊपर आ गया था। लेकिन अब क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे और आवेश खान ने एक बेहद ही तेज गति की यॉर्कर फेंकी, जिस पर धोनी ने अपने पुराने अंदाज में एक बेहद ही खतरनाक लंबा छक्का जड़ दिया और ये छक्का इतना लंबा था कि जिसे देखकर मैदान में बैठे सभी दर्शकों के होश उड़ गए। और दोस्तों अब अंतिम ओवर में जीत के लिए चेन्नई की टीम को 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों अब पंत ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंद थमाई टॉम करन को और दोस्तों अब टॉम करन की पहली ही गेंद पर मोइन अली को कैच आउट करा दिया उन्होंने। अब दबाव आ चुका था महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बल्लेबाजी करने आए जडेजा, लेकिन दोस्तों धोनी के ऊपर मोइन अली के विकेट का कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अगली ही गेंद पर एक बेहद ही खतरनाक चौका जड़ दिया। साथ ही इसी के साथ धोनी को देखकर तो आज मैदान में सभी को बहुत खुशी हुई। इतना ही नहीं, जब 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी तब धोनी ने चौका जड़कर सारा दबाव दिल्ली की टीम के ऊपर डाल दिया और अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़कर इस मैच में चेन्नई की टीम को शानदार जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि धोनी की इस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।